Okay, here we go. Esha and Emraan. जो अलग है जो हमें अलग जो विलन सर ने अलग किया है एक तो ऑफकोर्स 70s की फिल्म है पर उसके अलावा एक्शन के साथ इसमें ड्रामा भी है रोमांस भी है मिस्ट्री भी है सस्पेंस भी है धोखा भी है जेलसी भी है सब सब इमोशंस है और जैसे हमने फिल्म में इंट्रोड्यूस किया सिक्स बैड एसेस है और आई थिंक मेरे लिए जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी थी इस फिल्म की कि 70s का हम एरा इसमें दिखा रहे हैं एमरजेंसी के टाइप का हमने दिखाया है प्लॉट जो है तब की एक स्टोरी पिक की है जो हमने सुना है जो अगर आप अभी भी गूगल करेंगे आई थिंक इंटरनेट पे है अबाउट द रॉयल फैमिली एंड कैसे उनकी यू नो एक रॉयल वेल्थ के बारे में पता चला था एंड उसे लेने के लिए उसे कब्जा करने के लिए आर्मी को भेजा गया था जो विच इज़ वेरी अनहर्ड ऑफ कि आप आर्मी को भेजेंगे एंड नॉट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड हाउ वो एक्चुअली अभी तक नहीं मिला अभी तक पता ही नहीं है किसी को कि वो कहाँ गया पूरा जो खजाना था तो हमें उस प्लॉट पे लेके ये फिल्म बनाई है तभी पूरी स्क्रिप्ट लिखी नहीं गई थी लेकिन हमारा एक्सपीरियंस रहा है वंस अपॉन अ टाइम मुंबई से मैं उनको बहुत ट्रस्ट करता हूँ हमारे राइटर को बहुत ट्रस्ट करता हूँ रजत को और उन्होंने मुझे एक वन लाइन सुनाया था एक्चुअली बहुत पहले सुनाया था जब उन्होंने फिल्म की शूटिंग की थी कच्चे धागे की तो एक रियल स्टोरी थी वहाँ की कि एक कुछ सोना ट्रांसपोर्ट हुआ था महारानी के पैलेस से दिल्ली तक और उसी रास्ते में बीचों बीच कहीं हाँ आर्मी और पुलिस उस सोने को की हिफाजत उन लोगों को दी गई थी लेकिन वो उस जर्नी में कहीं वो सोना गायब हो गया था अब उस सोने के साथ क्या हुआ था किसी को पता नहीं है यू कैन गूगल इट ऑल्सो इंटरनेट पर तो एक्चुअली हमारी फिल्म की स्क्रिप्ट कहीं उस चीज़ को फिक्शनलाइज करती है क्या हुआ होगा उस सोने को वहाँ से शुरुआत होती है कि वो सोना कॉन्फिस्केट होता है सीज किया जाता है गवर्नमेंट सीज कर लेती है लेकिन उसके बाद क्या होता है ये सिक्स जो बैड एसेस हैं ये बहुत ही अजीब और अनोखा उन्होंने कॉइन किया है एंड इट्स अ वेरी आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव बाय रजत एंड मिलन ये सिक्स बैड एसेस किस तरह उनकी कहानियां किस तरह इसमें इंटरवोवन और वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग था और यू नो ऑब्वियसली एक उनका एक स्टाइल रहा है मिलन का वो एंड आई ऑलवेज बिलीव दिस कि हमारे सिनेमा में 60s 70s 80s अर्ली 80s एक तरह से ग्लोरी डेज थे सिनेमा के क्योंकि तभी एक लार्ज एंड लाइफ कैरेक्टर्स हुआ करते थे डायलॉग बाजी हुआ करती थी एंड देयर वाज दिस ग्रेट पैशन स्टाइल सेंस जो वो लेके आते हैं कंटेम्प्रेरी आज के माहौल में और उन्होंने एक फिल्म प्लेस की है इमरजेंसी जो एक बहुत ही अलग यूनिक टेक्सचर है इस फिल्म के लिए तो हाँ वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म एक बहुत ही यूनिक किस्म की हाइस्ट फिल्म है ज़्यादातर हमारे देश में हाइस्ट फिल्में नहीं बनती हैं और जनरली अगर बनती भी हैं तो एक बहुत ही ट्रिकी ये होता है सेटअप होता है कि समटाइम्स इट्स ओनली स्टाइल लेस सब्सटेंस लेकिन इसमें आई थिंक कैरेक्टर के मोटिवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड इट्स एन एज ऑफ द सीट थ्रिलर the odds always stacked against these six badasses. So I'm sure audience will enjoy. Imran, footpath से आपने अपना सफर शुरू किया था. उसके बाद murder वगैरह वगैरह वगैरह. Imran में और आज के Imran में कितना changes आया है और वो अपने आप को कहाँ पाते हैं? और Esha madam से मेरा सवाल है, madam कुछ डर नहीं लगा काम करने में इतनी बार काम? नहीं लेकिन इस फिल्म में नहीं ना तो इसमें कोई डर नहीं है. काम ऑलरेडी खत्म हो गया था पहली दो फिल्मों में. वो बेस्ट चीज ऑडियंस गेज कर सकती है उसमें क्या बदलाव आया ऑब्वियसली जिस तरह आप जब आप एक्सपीरियंस लेते हैं इंडस्ट्री में जैसे आप मैच्योर होते हैं तो आपका एक स्किल सेट बेटर होता है एक्सपीरियंस बढ़ती है लेकिन आई थिंक हर फिल्म के साथ जब भी एक नई फिल्म आती है तो वो हमेशा एक डर रहता है कि क्या मैं कर पाऊंगा आई थिंक वो डर एक बार अगर मिट गया तो दैट्स द एंड ऑफ योर एक्टर आपका करियर खत्म हो जाएगा तो हर कैरेक्टर के साथ हर फिल्म के साथ वही डर रहता है कि क्या मैं वो जस्टिस दे पाऊंगा ऑडियंस को इस फिल्म के साथ इस कैरेक्टर को एंड आई थिंक
एक फैन बेस हमेशा से एक बहुत सपोर्टिव रहा है मेरी फिल्मों को लेकर मेरे कैरेक्टर्स को लेकर दैट हैज पुश्ड मी टू डू बेटर फिल्म्स और हमेशा कुछ नया टेस्ट करने की कोशिश मैंने की है और जनरली क्या होता था कि मैंने ट्रेंड्स फॉलो नहीं किए अपने करियर में और ये कुछ आइडेंटिटी नहीं बोल रहा हूँ मैं जनरली अपनी मेरी फिल्मों का थॉट प्रोसेस जनरली थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स रहा है अलग किस्म की हाई कॉन्सेप्ट फिल्में मैंने की हैं जो जनरली शुरुआत में 2003 से लेकर 10 तक नीश फिल्में लोग कहते थे लेकिन अभी वो फिल्में चल रही हैं आई थिंक आई पिक दोस फिल्म स्लाइटली अर्ली ऑन इन माई करियर तो मैं बहुत खुश हूँ कि अभी ये इंडस्ट्री इस तरफ इस दिशा में जा रही है कि हम अलग किस्म का सिनेमा देख रहे हैं लोग अलग अलग आइडियाज एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ईशा जी आपको डर लगा इस फिल्म में कुछ नहीं है यार जी बहुत बुरा लगा बल्कि मुझे इमरान ने अपने कॉन्ट्रैक्ट पर लिखवाया था आपसे कुछ नहीं होगा बादशाह लव्स इस फिल्म में वो कमराडरी फ्रेंडशिप दिखाने के लिए कॉइन किया है मेकर्स ने जैसे कहते हैं ना क्या हाल है बादशाह तो इन चार कैरेक्टर्स के बीच जो इस मिशन पे शुरू होते हैं वैसे तो छोटा मिशन है क्योंकि बड़ा मिशन है लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है कम टाइम है क्योंकि 100 घंटे में इनको पूरा करना है उससे पहले कुछ चंद दिन दिए जाते हैं इनको स्ट्रेंजर्स एंड एक दूसरे को जानते नहीं है तो किस तरह घुल मिल जाते हैं प्लान करते हैं और वो कहीं वो स्ट्रेंजर्स दोस्त बन जाते हैं बाय द एंड ऑफ द फिल्म और आई थिंक मुझे तो टाइटल पहले दिन से जब मिलन ने कहा था कि टाइटल है बादशाह तो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग देखिए क्या होता है कि जब चैलेंजेस मैं नहीं कहूँगा लेकिन एक एक बेनिफिट मिल जाता है जब यूथ आती है इंडस्ट्री में और मैं इसमें रहा हूँ 2003 में जब मैंने शुरुआत की थी तो एक यंग ऑडियंस का हमेशा से एक डाई हार्ट फैन बेस रहता है और वो यूथ के साथ रहता है क्यों होता है दैट्स ऑब्वियस कि आप उस ऑडियंस उस उन एक्टर से आप रिलेट कर पाते हैं क्योंकि वो आपके एज ग्रुप के जब आप एक मिड ब्रैकेट में आ जाते हो वो फेज आपका आप उसको पार करके आप प्रॉब्ली 33 या 35 के ऊपर आप पहुंच जाते हो एज ग्रुप में तो आपको स्क्रिप्ट्स का सिलेक्शन बहुत समझदारी से करना पड़ता है क्योंकि एक ट्रांजिशन फेज है यू आर नॉट यंग इनफ टू प्ले द रोल्स यू यूज्ड टू प्ले 15 इयर्स बैक यू आर नॉट ओल्ड इनफ टू प्ले डैडी रोल्स तो एक बहुत ही ट्रिकी स्पेस आ जाता है लेकिन आई थिंक एज एन एक्टर बहुत ये बहुत ही एक तरह से मैं इसको एक स्ट्रेंथ मानता हूँ क्योंकि इस फेज में आई कैन डू मोर रिलेटेबल कैरेक्टर्स जहाँ पे ऑडियंस अभी हाई कॉन्सेप्ट में पसंद कर रही है तो यंगस्टर्स भी कर रहे हैं एंड आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री 15 इयर्स सो आई एम ऑब्वियसली नॉट अ न्यूकमर तो मैं भी कर सकता हूँ देन द रियली सीनियर ब्रैकेट लाइक अजय शाहरुख खान सलमान आमिर वो भी ये फेज से गुजर चुके हैं एंड दे हैव ट्राइड एंड टेस्टेड दैट बट इमरान ये जो फिल्म है ये सिर्फ कोई ऐसा मेंटली हैरेसमेंट या कोई थ्रेट्स तो नहीं मिले आपको ये पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा हाँ नहीं नहीं पहले आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि ये एक्चुअली सिर्फ उस ब्रैकेट के लिए नहीं है आई थिंक विलन लुथरिया की ये खासियत है और इस फिल्म की भी ये खासियत है कि हमारे इंडस्ट्री में और हमारे एक्चुअली देश में जो ऑडियंस है एक क्लियर डिवाइड है मासेस का और क्लासेस का मासेस क्या चाहती हैं वो एक तरह से एक एस्केपिस्ट सिनेमा चाहती हैं जब वो 2 घंटे की फिल्म देखते हैं तो दे वांट टू गेट दे वांट बी एंटरटेन्ड क्लास सिनेमा क्या होता है एक तरह से उनको एक एस्थेटिक्स चाहिए एक लॉजिक चाहिए क्योंकि उनका सिनेमा का एक नजरिया अलग होता है हम उस तरह उस उनको कैसे पिच कर सकते हैं तो आई थिंक मिलन ने वो वंस अपॉन अ टाइम मुंबई में किया था डर्टी पिक्चर में किया था और इसका भी आई वुड इमेजिन द फैन बेस ऑफ बादशाह इज दैट वाइड फैन बेस ये दोनों ऑडियंसेस को केटर करती है मासेस और क्लासेस को तो एक तरह से एक स्वीट स्पॉट है जो दो ऑडियंस को आप किस तरह सिनेमा घर में लेके आ सकते हो तो दोनों के लिए कुछ है इस फिल्म में एक्चुअली ये मैंने खुद को ये टर्म दिया था शुरुआत में और मैंने हाँ शायद पहले 3-4 साल में थोड़ा मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ गया था तो मेरी रेपिटेटिव फिल्म्स हो गई थी लेकिन जब से मेरी जो ये फिल्में आई थी आवारापन हो या जन्नत
या वंस अपॉन अ टाइम मुंबई या शंघाई, ये कहीं उस चीज को, कहीं वो इमेज वो नजर नहीं आया, लेकिन एक वो हो गया था हेडलाइन, इंटरेस्टिंग हेडलाइन थी उनके से, लेकिन कोई फिल्मों में वो देख नहीं रहा था कि इसमें एक्चुअली बहुत सारा वेरिएशन था जिस किस्म के कैरेक्टर्स ने प्ले किए थे. तो मैं वो चीज भूल चुका हूँ. और जब वो आता भी है आर्टिकल में, जब लोग कहते हैं तो मैं हंस लेता हूँ, थोड़ा अम्यूज हो जाता हूँ, लेकिन वो मेरे दिमाग में कभी रहता नहीं है. जब मैं कैरेक्टर जब चूज करता हूँ या अच्छा इस फिल्म में है या नहीं है, मैं उस तरह नहीं सोचता हूँ. मैं एज एन एक्टर सोचता हूँ कि अब मैं इस फिल्म में नया क्या कर सकता हूँ. क्या मैं इस फिल्म में नया कैरेक्टर कर रहा हूँ? ऑफकोर्स, जैसे बादशाह और डर्टी पिक्चर और वंस अपॉन अ टाइम, तीनों कैरेक्टर में जमीन आसमान का फर्क है. तो मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले किए. आई थिंक क्रिटिक्स आर वेरी फेयर, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी फेयर. अगर एक परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो ये वो टर्म को कभी लेके आते भी नहीं है उसमें. तो आई वुडंट से क्रिटिक्स हैव एवर बीन अनफेयर. जितनी भी फिल्म करी है आवारापन, तो आवारापन में जो आपने किरदार निभाया उसको उतनी हाइट नहीं मिल पाई बनस्पत, क्योंकि मार्केटिंग हम ठीक तरह से कर नहीं पाए उस फिल्म की. एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी, लेकिन मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा हाथ है. अगर आप ऑडियंस तक ठीक तरह से उस चीज़ को उनकी तरफ पेश नहीं कर पाओगे तो वो फिल्म दब जाएगी और बॉक्स ऑफिस पैसे ही हुआ. लेकिन कहीं इतने सालों के बाद अब भी लोग कहते हैं कि यार वो फिल्म आपकी सबसे अच्छी फिल्म थी. इट वॉज अ कल्ट फिल्म एंड बिकेम अ कल्ट फिल्म आफ्टर इट केम आउट ऑफ द थिएटर्स. लोगों ने टेलीविजन पर, डीवीडीज पे और इंटरनेट पर देखना शुरू किया एंड देन दे रियलाइज व्हाट दे हैड मिस्ड इन द थिएटर्स. तो आई डोंट बिलीव, मैं ये भी कहता हूँ कि सिर्फ बॉक्स ऑफिस से आप एक फिल्म को आप गेज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसकी एक वैल्यू आपको बाद में पता चलती है, क्योंकि लोग देख लेते हैं. तो इतने एवेन्यूज हैं, फोन पे देख सकते हो आप इंटरनेट पे देख सकते हो, टेलीविजन पे देख सकते हो. तो अगर मुझे ऐसी स्क्रिप्ट मिलेगी तो मैं जरूर करूँगा, इसमें कोई दो शक नहीं है. आवारापन जैसी फिल्म हो या कोई भी ऐसी कोई इंटेंस कैरेक्टर, अलग किस्म का कैरेक्टर, तो आई जस्ट होप कि वो थोड़े लिबरल हो और एक उनकी क्लैरिटी हो जिस तरह वो फिल्म्स को एनालाइज करेंगे. और बिना वजह जो जो कट्स होते हैं फिल्मों में, थोड़ा वो इलॉजिकल होता है, क्योंकि आप सिर्फ अपने बायसेस प्लेस करते हो वहाँ पर. और मैं किसी एक शख्स को नहीं कह रहा हूँ, आई थिंक एक पूरा ओवरऑल सेंसर बोर्ड का एक नज़रिया चेंज करना पड़ेगा. आई एम श्योर प्रसून इज वेरी वेरी स्मार्ट मैन एंड वो ऐसा करेंगे. लेकिन क्या होता है, जब मैं पर्सनली एक फिल्म देखता हूँ तो मेरी खुद की लाइक्स डिसलाइक्स और बायसेस होती हैं. मुझे उसको थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए और मुझे सोचना चाहिए कि जनरली हमारे देश की आवाम क्या देखना चाहती है और उनको कैसे बुरा लगेगा इस चीज़ से, या उनको क्या अच्छा लगेगा इस फिल्म में. और मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड को एक्चुअली थोड़ा ब्रॉड कर देना चाहिए अपना जो रेटिंग सिस्टम है, जिस तरह सब जगह है वेस्टर्न अमेरिका में PG-13 PG-15 UA. तो यहाँ पे एक बहुत जनरलाइज्ड चीज है. UA means what? अभी भी सब लोग कंफ्यूज हैं. What exactly is UA? What is the age group? तो आई थिंक PG-13 आ जाए, PG-15 आ जाए, फिर उसके पास अडल्ट फिल्म, यूनिवर्सल, UA, तो थोड़ा सा फिर क्लैरिटी मिल जाए. इसी में सेंसर बोर्ड में जैसे फिल्म आई थी नोट, मुझे I'm sorry, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है. फिल्म उस दौर में प्लेस की गई है, इमरजेंसी के टाइम में, 1974-1975. और ये हादसा, ये हाइस्ट जो होता है उस वक्त हुआ था. तो ये टीम के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए जिन्होंने रिसर्च किया है, फ्रॉम द डायरेक्शन टीम, कैमरा, द आर्ट डायरेक्शन, आई थिंक उनको बहुत काम करना पड़ा, क्योंकि एक ऑडियंस है जो ऑब्वियसली जानती है कि तभी क्या हुआ था, तब हमारे देश में माहौल क्या था. तो उनके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी. ऑब्वियसली हमारे कॉस्ट्यूम्स में एक डायलैक्ट था तभी, और जिस तरह के गाने हैं फिल्म में, वो एक ऑथेंटिसिटी किस तरह आए, वो आई थिंक उनका हाथ, बहुत बड़ा हाथ है हमारी पूरी टीम का. सो इट्स नॉट अबाउट द इमरजेंसी, इट्स अबाउट द हाइस्ट और ये जो रॉबरी होती है, लेकिन तब प्लेस किया गया 75 फेस्टिवल.
तीनों के बीच में, क्योंकि मैं विद्युत के साथ हूँ इस फिल्म में. मेरी इस पूरी शूट जो हुई है ज़्यादातर, एक्चुअली मेरा आई थिंक आधा सीन था विद्युत के साथ और आधा इलियाना के साथ. बट हाँ, तीन जो बड़े एक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, और स्टार्स भी मैं उन्हें बोलूँगी, एक्टर्स बोलूँगी, संजय मिश्रा, अजय और इमरान, क्योंकि तीनों ही बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं. और चाहे वो अजय एक है जो अपनी आँखों से एक्टिंग करता है, इमरान अगर आप उनका पोर्टफोलियो देखे पूरे करियर का, आई थिंक मेरी ये जिनके साथ तीसरी फिल्म है, जो पहली फिल्म थी उसमें भी इमरान ने एक डायलेक्ट पिक किया था, नॉर्थ इंडियन था वो काफ़ी, हरियाणा सॉस देसी, एंड राज वॉज वेरी डिफरेंट एंड वेरी अर्बन, दिस इज़ वेरी डिफरेंट. एंड संजय मिश्रा तो हम सबको पता है, मुझे आँखों देखिए आप देखिए फिर गोलमाल देख लीजिए, ही हैज़ अ वास्ट वेराइटी. एक हिसाब से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज आई मीन एक हिसाब से कहते ओवरऑल ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज आप तीन इतने अच्छे एक्टर्स के साथ अगर आप एक फ्रेम में हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और आप एक ही लड़की एक तो हूँ मैं इन तीनों के साथ एक फ्रेम में, तो दैट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. और थोड़ी नर्वसनेस थी पहले के एक दो दिन, बिकॉज ये तीनों की एक्टिंग इतनी नेचुरली आ जाती है, ईयर्स एंड फिल्म ऑफ एक्सपीरियंस दैट दे हैव, दैट दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग. उन्हें कुछ ज़्यादा, दे डोंट एक्ट, इट जस्ट कम्स नेचुरली टू देम, तो थोड़ा मुझे नर्वसनेस थी. बट इमरान ऑफ कोर्स इज अ फ्रेंड एंड वी वर्क टुगेदर, एंड संजय एंड संजय सर एंड अजय ऑल्सो मेक मी वेरी कम्फर्टेबल. तो आई थिंक इट वॉज जस्ट फॉर एनी एक्टर एट माई कैलिबर जहाँ पर मैं हूँ, आई थिंक इट बी इट्स अ प्रिविलेज टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद दीस थ्री. एक्टर्स में उन्हें बोलूँगी जो जिन्हें आप सब जानते हैं कि वो एक्टर है. कोई अगर कोई छोटा कोई ऐसा कलाकार होगा या टीवी पे या छोटा कोई उन्होंने सीन किया होगा, आप शायद नहीं उन्हें जानते हो. जो बहुत बड़े स्टार्स आर जस्ट, मेरे लिए स्टार्स आर जस्ट स्टार्स, ऑफ कोर्स देयर स्टार्स, देयर स्टार पावर्स आर देयर, ही हैज अ स्टार पावर राइट, बट ही इज एन एक्टर फॉर मी, ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर. आई मीन मैं तो जन्नत जब मैंने पहली बार मूवी देखी थी अपनी, जन्नत टू, एंड इमरान जब वो लास्ट के सीन में ही इज डाइंग एंड यू नो रणदीप को ही इज टेलिंग थिंग्स एंड आई हैव क्राइड इन द मूवी. एंड आप ठीक है, आई नो दैट सीरियल किलर ये वो आप ही किसर आप ही लोग टायर्ड अभी बोल रहे थे उस बारे में, बट फॉर मी ही इज एन एक्टर, सो फॉर मी अजय इज एन एक्टर, दे आर स्टार, दे हैव द स्टार पावर. बट इवन संजय मिश्रा लाइक अ ब्यूटिफुल एक्टर्स. इमरान ये स्टाइल है मैच्योरिटी आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? थैंक यू, वेरी गुड. मैं इसका इंग्लिश में जवाब दे सकता हूँ. देखिए, मैंने एक्चुअली ये स्टेटमेंट डाय गिवन दैट आई आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ नेपटिज्म एंड यस मेरी फिल्म फैमिली है बिकॉज ऑफ विच आई हैव गॉट द ब्रेक इन फिल्म्स. वुड आई गेट अ ब्रेक दैट अर्ली ऑन माय करियर इफ आई डिडंट हैव अ फिल्म फैमिली? आई डोंट नो, ये हाइपोथेटिकल सवाल है, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ. हैव आई लास्टेड इन द इंडस्ट्री फॉर 14 ईयर्स बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म? नो. ऑडियंस ये देख के बार बार टिकट नहीं खरीदेगी फिल्म के लिए, ये कह के यार ये इस एक्टर का बेटा है या भांजा है, इसलिए हम लोग ये फिल्म देखेंगे. एक इनिशियल चीज होती है ऑफ कोर्स, और ये जनरली स्टार सन्स के लिए होता है. इफ यू आर अ स्टार सन तो देयर इज एन इनिशियल एक्साइटमेंट कि वी हैव बीन अ फैन ऑफ दैट स्टार, अब वी वांट टू सी हाउ द सन इज. लेकिन इतना प्रेशर आ जाता है उन पे, और एक चीज होती है कि द इंडस्ट्री ट्राइज टू मोल्ड द सन लाइक द फादर, तो वो एक नेगेटिव चीज होती है. एंड आई थिंक फॉर पीपल हु डोंट हैव कनेक्शंस, दे आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर गेम, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में, दे हैव नॉट हैड कनेक्शंस इन द फिल्म इंडस्ट्री. मे बी मिस्टर शाहरुख खान, मिस्टर बच्चन, ऑल दीज पीपल, दे हैव अकॉम्प्लिश्ड ऑन देयर ओन.
तो यू कांट जस्ट बिकॉज आपको ब्रेक नहीं मिला है, आप ये नहीं कह सकते हैं, यू कांट बी बिटर एंड से दैट उसको तो इसलिए मिला है क्योंकि ही इज अ सन और नेव्यू एंड वी हैव नॉट गॉट इट, दिस इज अनफेयर बिकॉज यू जस्ट वेस्ट योर लाइफ क्रिबिंग एंड यू नॉट बीइंग नेगेटिव अबाउट इट. तो आई थिंक दोनों तरफ से हर्डल्स होते हैं, ऑब्स्टिकल्स होते हैं. और मेरे जो मेरी कंपनी मैंने शुरू किया था, आई वॉज वेरी थैंकफुल जब उन्होंने पहली बार मुझसे कहा था कि यार अगर तुम अच्छे एक्टर नहीं हो, अगर ऑडियंस तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी तो हम आपके साथ इसके बाद काम नहीं कर सकते हैं, जो पहली फिल्म थी फुटपाथ. तो बहुत क्लियर थे मेरे साथ एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि बहुत क्लियर थे. और ऐसे ही होता है इंडस्ट्री में, जब तक आप ऑडियंस आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, नेपोटिज्म हो या आपके जो भी हो आपकी फैमिली, आप देख लो ना जब भी ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया एक दो फिल्मों के बाद, देन यू कांट रियली बी इन द रेस, यू हैव टू बी एक्सेप्टेड बिकॉज इवेंचुअली ऑडियंस बनाती है आपको. जो कुछ भी आप हैं एज एन एक्टर वो ऑडियंस बनाती है. इंडिया में नहीं आता, ओवरऑल वर्ल्ड में हो रहा है, मगर क्योंकि ऑब्वियसली एज एन इंडियन मैं चाहूँगी कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, हम प्रोग्रेसिव ना हो, प्रोग्रेसिव हो. हमारे देश में खासकर मेंटालिटी क्या होती है जो अभी तक हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि अगर किसी कोई लड़की के साथ किसी को किसी लड़की को छेड़ते भी है तब भी बोलता है कि लड़की की गलती थी. अगर लड़की का रेप होता है तो बोलता है कि वो लड़की अकेली क्यों थी. मगर फिर वही लोग वो नहीं देखते जब वो 3 साल की बच्ची का रेप हो रहा होता है कि वो उसकी क्या गलती है, जब कोई बुरखे में होती है उसकी क्या गलती है. वैसे अगर मैंने जीन्स टी शर्ट पहनी है या मैंने शॉर्ट स्कर्ट पहनी है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं. आप लोग अपना नज़रिया बदले, आप लोग अपनी मेंटालिटी, क्योंकि हमने ऐसे कपड़े पहने या कुछ, इसका मतलब ये नहीं हम आपको इन्वाइट कर रहे हैं, आपको किसी ने ये राइट नहीं दिया. बल्कि ज़बरदस्ती तो अगर आप मैरिज में भी करें तब भी उसे रेप ही बोलते हैं. जस्ट बिकॉज टू पीपल आर टुगेदर इन मैरिज अंडर द लॉ डजंट मीन कि आपको वो भी अलाउड है. बस ये कहना चाहूँगी कि आई थिंक इंडिया में थोड़ा एजुकेशन और मिलना चाहिए बिकॉज अभी तक यही सिखाया जा रहा है लड़कियों को कि अरे अपने आप को बचा के चलो, अपने आप को ढको, अपने आप को ये करो, अपने आप को वो. संस्कार होते हैं वो भी औरतों में ही ज़्यादा सिखाए जाते हैं. मर्दों को मगर एक ही चीज़ सिखाते हैं कि आप रोए मत, यू नो लड़के रोते नहीं है. बस यही सिखाया जाता है मर्दों को, इज्जत कैसे करती है. अभी आई थिंक पहले आई थिंक स्कूल में ही इसको सिखाना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि बस या तो आपकी मदर एंड सिस्टर हो आप बस उन्हीं की रिस्पेक्ट करें. नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हर लड़की माँ बहन है जो मूवी में दिखाते हैं. नहीं नहीं भाई, जरूरी नहीं आप हर एक को अपनी बहन बनाएं. हर लड़की की आप इज्जत करना सीखिए. आई थिंक वही एजुकेशन का बहुत बहुत वास्ट डिफरेंस है हिंदुस्तान में. एंड या इज जस्ट ट्रोल तो जो लोग करते हैं आई थिंक उनकी लाइफ में कुछ और इम्पोर्टेंट होता नहीं है तो वो ट्रोल करते हैं. मुंबई में बैठ के ये जनरलाइज सवाल जवाब नहीं दे सकता हूँ कि बदल गया है नहीं बदल गया है. किसी डायनामिक्स बहुत ही वाइड है, मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता हूँ. ये सच्चाई है कि हर देश हर शहर में गेटोज होते हैं, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम था तभी, इसलिए मैंने अपना आई थिंक वो कॉमेंट किया था. बट आई थिंक ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे देश में, क्योंकि इतनी सारी डाइवर्सिटी है हमारे देश में, फिर भी देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कामनेस एंड पीस अक्रॉस आवर एंटायर कंट्री. तो आई थिंक वी आर गुड, इतनी भी सिचुएशन ख़राब नहीं है. बट गेटोज होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं झूठ नहीं कहूँगा कि नहीं होते हैं, हर मज़हब के होते हैं गेटोज. मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम थी क्योंकि मेरे घर में एक तरह से एक मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट है. मेरी वाइफ हिंदू है, मेरी मदर क्रिश्चियन थी, माय फादर इज मुस्लिम. उन्होंने मेरी माँ से कहा था कि चेंज मत करना, आई हैव टोल्ड माय वाइफ चेंज मत करना. मेरे घर में एक मंदिर भी है और वहाँ पे नमाज भी चलती है, तो मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट प्रॉब्लम हमारे देश में इसलिए और अराउंड द वर्ल्ड ये चीज़ होती है कि मेरा मजहब आपके मजहब से बेटर है या मेरा ओपिनियन बेटर है आपके ओपिनियन से, ये चीज़ गलत होती है. क्योंकि हर एक के जो रिलीजन होता है एक तरह से एक सेम्बलेंस होना चाहिए, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ मिडवे कि आप अपने मजहब को फॉलो कीजिए और वो अपनी जगह सही है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और आप मेरे मजहब को रिस्पेक्ट कीजिए. बट
इमरान डरे संजीदा एक संजीत के रूप में आपका एक इमेज और उसने पूरी इमेज मुझे लगता है कोई ऐसा एक्टर है जिसको कि आप आइकॉन मांगकर का आप रीमेक करना चाहोगे या उसका उसने जो रोल किया है वो उससे आप नहीं एक्टर मैं जनरली जब फिल्में करता हूँ वो एक कोई ट्रिकी सिचुएशन होती है अगर आप एक फेवरेट्स तो बहुत हैं बट क्या होता है कि अगर आप उनकी कोई भी फिल्में ले लो और उन्हें जो है उसको रिहैश कर दो या रीमेक कर दो तो वो उस फिल्म के साथ खुद के साथ नाइंसाफी होती है क्योंकि दे शुडंट बी रीमेड वो एक बहुत बड़ी गलती होगी तो आई थिंक वो फिल्में अपनी हर एक्टर को अपना खुद का एक करियर पाथ चुनना पड़ता है फिल्म जैसे लोगों ने प्रोमोस में देखा होगा एक हाइस्ट फिल्म है और ये एक रियल स्टोरी पे आधारित 1975 में एक इमरजेंसी थी जहाँ पे बहुत सारा सोना ट्रांसपोर्ट किया गया था जयपुर से लेकर दिल्ली तक और उस सोने के साथ उस कंसाइनमेंट के साथ बहुत सारे आर्मी के पर्सनल और पुलिस के पर्सनल भी थे और कहीं वो सोना गायब हो गया था तो ये एक्चुअली एक रियल स्टोरी है जो आप गूगल भी कर सकते हैं इसके बारे में और हमारे टीम ने मिलन ने और रजत ने इस चीज़ को कहीं फिक्शनलाइज किया है इस चीज़ में इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने 6 बैड एसेस को इंट्रोड्यूस किया और किस तरह क्या हुआ होगा उस सोने के साथ तो ये फिल्म एक फिक्शनल अकाउंट है और इंस्पायर्ड फ्रॉम अ रियल स्टोरी एक एक्टर का नाम सचिन है जो हमने जब इंट्रोड्यूस भी किया था उससे पोस्टर के साथ बैडास बॉम्बशेल एंड अजय ने लिखा था बैडास बॉम्बशेल दैट किक्स एस तो उसका वही है उसका शी इज़ वन ऑफ द मैन अमंग्स द मैन फेमिनिन है बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमन है अगर उससे काम कोई आप बोलेंगे ये करना है उसे पता है वो करना है तो वो डरेगी नहीं पहले वो करेगी और फिर वो कॉन्सिक्वेंस सोचेगी एक्शन भी है सब है इस फिल्म में एंड वेरी हेड स्ट्रॉन्ग गर्ल और हाँ उसका बस ये दिखाया कि कैसे वो तीन राजस्थानी देसी आदमियों के बीच में जिन्हें जानती नहीं उनके बीच में उठती बैठती और कैसे फिर उनके साथ ये पूरी प्लानिंग होती है और हाइस्ट होता है इमरान एक फोटो इमरान सर सर